बोलो बेटा। गुरुजी, लोग कहते हैं कि मतलब बिल्ली रास्ता काट दे तो ये अपशगुन होता है, क्या ये सच में अपशगुन होता है? परम सुनते तो यही आए हैं सारी जिंदगी सर, तो ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों, क्या बता रहे हैं आप लोगों का क्या विचार है इसमें, क्या विचार है? भाई बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही थी। एक बात इसको हम क्लियर करते हैं, यदि आपका घर से निकलते ही बिल्ली रास्ता काट दे तो 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आप ठहर जाओ घर पर। यदि आपके निकलते ही रास्ता काट दे गाड़ी पर बैठते ही तो, पर आप हाईवे में जा रहे हैं, गाड़ी स्पीड में है, आप चल रहे होंगे, बिल्ली रास्ता काट दे तो दोष नहीं है, क्योंकि बिल्ली तो कहीं ना कहीं से जाएगी उसका। तो अब किसी के घर में बिल्ली है तो वो तो आगे पीछे घूमती रहती है, रोज दिन में 10 बार रास्ता काटती है, तो कितना मानो काबर रुको ही रहो। तो ये सब पहले के लोग थे, किसी कारणवश किसी ने कहा होगा तो वो परंपरा बन गई, बहुत ज्यादा दोष नहीं है। ठीक है, मेरे भाई ने आपके लिए फोटो भेजी है, खुश रहिए। अच्छा दिखा दीजिए। अच्छा अभी अंदर राधे राधे जी। गुरुजी जय श्री मनारायण। जय श्री मनारायण। गुरुजी महाभारत कैसे हुआ था? कैसे मतलब कैसे लड़े थे वो? डिसुम डिसुम वाला कि धनुष बाण वाला, है ना? धनुष बाण से हुआ था पूरा, गदा से, धनुष बाण से। गुरुजी हाँ, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, मथुरा में, कारागार में, कंस के जेल में। और कोई सवाल? गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ, गुरुकुल ओपन हो गया गुरुजी? चल रहा है बेटा, काम चल रहा है, फिनिशिंग चल रही है, थोड़ा सा काम बचा है बस, बहुत जल्दी 2-4 दिन की बात है बस। मैं अपने भांजे के साथ आया हूँ गुरुजी, उसको लेकर गुरुकुल में डालने के लिए। पर अभी के जो एडमिशन थे वो तो हो गए हैं, कागजी कार्रवाई तो हो गई है बस। अभी जो 100 नाम थे वो तो हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट हैं वो अगली बार के लिए। फिर कब होगा गुरुजी? हर साल बढ़ेंगे ना, इस बार 100 बच्चे रखेंगे, अगली बार 500, उसके अगली बार 1000। अच्छा थैंक यू गुरुजी। मेरे घर पर आपको सब देख रहे होंगे गुरुजी, राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी जी। गुरुजी हम पोथी पाठ करवाते हैं तो क्या इससे पितरों को मोक्ष हो जाता है गुरुजी? बिल्कुल, पितरों की सदगति के लिए ही भागवत जी की पोथी पाठ होती है। और जैसे हमारे मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, अभी 6 महीने हुए हैं गुरुजी। हाँ। 1 महीने बाद चाचा जी हो गए थे, क्या दोनों का हाँ, हो जाता है इसमें? बिल्कुल, एक ही गोत्र है तो एक से ही हो जाएगा। अगर घर पे नहीं करवाए, यहाँ करवा रहे हैं? हाँ एक ही बात, यहाँ पूरा विधिवत होता है। हाँ। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मेरे परिवार में बहुत लोग गायत्री माता पूजा करते हैं और हवन भी करते हैं, और मांस मछली भी खाते हैं, तो क्या ठीक है? मांस खाना ठीक कैसे होगा? तो वही तो, बहुत लोग से मना करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, खाते खाते छूट जाएगा अपने आप। खाते खाते कैसे छूटेगा? मेरे गांव में भी बहुत लोग खाते खाते छूटता तो कितना खा डाले, मेरे गाँव में भी बहुत लोग समझाते समझते कोई नहीं है। सबको कथा सुनवाना, कथा तो बहुत लोग सुनते हैं लेकिन फिर भी छोड़ेंगे फिर धीरे धीरे जब भगवत कृपा होगी। राधे राधे गुरुजी। हम लोग खुश रहिए बेटा। इस तरफ भी माइक ले आना आगे। हाँ आगे सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो बेटा।